नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएम क्लासेस में। मैं आज आपके लिए बैतूल क्षेत्र के तीव्रता द्विध्रुव के कारण निकालना है निरक्षीय स्थिति में, जिसे हम टैन बी पोजीशन कहते हैं। इसके पहले टैन ए पोजीशन इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा जा चुका है। आइए देखते हैं, इसमें निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बैतूल क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने क्या किया है, माना एक द्विध्रुव है, ठीक है। ये क्या है, एक द्विध्रुव जिसका आवेश एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। दोनों की बीच की दूरी क्या है, 2L है। दोनों की बीच की दूरी 2L दिया गया है। अब इसके निरक्षीय का मतलब इसके ऊपर या नीचे कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो इससे मान लीजिएगा यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने क्या लिया P, और इस P पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है जो कि द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित है, जो कि द्विध्रुव से r दूरी की स्थित है। अब यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालना है और यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसके कारण जो इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, इसके यानी माइनस की ओर। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, ए वन। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की जाएगी, इसे मान लेते हैं ए टू, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिएगा ये कोण क्या है, थीटा है और ये 90 एंगल। उसी प्रकार ये थीटा मान लेते हैं और ये क्या है, 90 एंगल, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब ये थीटा ये 90 अंश है तो इसकी दूरी हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी एल हो जाएगी, और इतनी ये आधी दूरी क्या हो जाएगी, एल ये हो जाएगी। अब ये दूरी निकालेंगे, आर है, एल है, ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी प्रकार इसकी दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे निकला, ये आपका मान लीजिए थीटा है, ये वाला ये 90 अंश का कोण है, ये आर, ये है नीचे एल है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस रूप में हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्रम में क्या करना है हमें, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इधर है और इसमें ये 90 अंश कोण है, तो हमें इस पर परिणामी निकालना है, क्योंकि P बिंदु पर E1 और E2 दो लग गए हैं, तो इसका परिणामी क्या जाएगा, इनके मध्य में जाएगा। कहाँ जाएगा, इनके मध्य में जाएगा, ठीक है। तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, समांतर है, तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये संगत कोण से ये क्या हो जाएगा, थीटा कोण आपका ये हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए, जब ये E1 परिणामी है तो इसके दो घटक होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला घटक क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, क्या जाएगा, E1 साइन थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इसका परिणामी एक ऊपर, इसके दो घटक होंगे E2 परिणामी के, कौन से, A2 साइन थीटा, दूसरा ये होगा A2 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं E1 और A2 का मान निकाल लेते हैं। तो क्या, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा, E1 बराबर 1/4πε0 Q /
आर स्क्वायर, आर का मतलब अंडर रूट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करेंगे। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इवन बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण ए। इसकी जो डायरेक्शन लेंगे पी से माइनस क्यू की ओर, किधर होगा पी से माइनस क्यू की ओर। ठीक है, आगे निकाल लेते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कारण पी पर तीव्रता, पी पर तीव्रता निकालेंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, ए टू बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, मतलब ये दूरी, तो क्यू आपका है ही है, आर, आर का मतलब ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर है और इसका हमें क्या करना होल स्क्वायर करेंगे। तो ए टू बराबर हमको क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे होल स्क्वायर, अंडर रूट से हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर समीकरण नंबर दो बन जाएगा। इसमें जो डायरेक्शन होगी दिशा पी से, सॉरी इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यू से पी की ओर, पी की ओर। ठीक है, अब देखते हैं ईवन और ई टू क्या है, आपस में बराबर है तो यही लिख सकते हैं ईवन बराबर ए टू बराबर ई के मान लिया है। ठीक है, तो आप देखिए हमें पी परिणामी निकालना है, देखिए ईवन ई टू आपका बराबर है तो ये ईवन ई साइन थीटा बनेगा और ये ई साइन थीटा बनेगा, ई साइन थीटा एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे। जब विपरीत दिशा में दो बिंदु छेद की तीव्रताएं होती हैं तो उनका परिणामी हमेशा घटा कर निकाला जाता है, जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर है। और E2 cos थीटा E1 sin थीटा दोनों एक ही दिशा में है तो इन्हें हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, जब एक ही दिशा में दो बिंदु छेद की तीव्रता होती है तो उनका परिणामी हमेशा उन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में है, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देगा, यह एक दूसरे को निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। तो बिंदु P पर परिणामी निकालना है, बिंदु P पर परिणामी, तो जो परिणामी निकलेगा वो क्या मिलेगा हमारा, E बराबर E1 प्लस A2। तो यहां पे लिख सकते हैं, सॉरी इसको यानी E1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा, E1 और A2 दोनों क्या मान लिए हैं, E मान लिया गया है, तो ये क्या लिखेंगे E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो E बराबर यहां पे नेट लिख सकते हैं ए नेट परिणामी, क्योंकि यहाँ पे ई हमने यूज कर लिया तो ए नेट, तो ई दोनों जुड़ जाएगा 2E cos थीटा, तो क्या मिलेगा दो तो रहेगा, ई का मान कहाँ से रखेंगे यहाँ से उठा के रख लीजिएगा, क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
tan 2 cos थीटा, cos थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका l, कर्ण क्या है अंडर रूट l स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो क्या मिलेगा l बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलेगा ऊपर टोटल एक साथ कर लें क्या बनेगा 2l * q बटे क्या मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसकी टोटल पावर कितना है 1 है, यहां पावर 1 बटे 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बटे 2 हो जाएगा। तो ये बने क्या r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। आइए इसको सफा कर देते हैं। तो क्या मिला हमें e नेट बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे p, क्योंकि पीछे आप लोग पढ़ चुके p बराबर क्या होता है 2l * q, नीचे क्या है 4 pi epsilon naught n2। अब इसको हमें क्या करना है इसको यही रख लो तो क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। हम यहां लिख सकते हैं चूंकि r इज ग्रेटर देन l, मान लो यहां पे जो r है काफी ज्यादा है और ये l उसकी तुलना में बहुत छोटा है तो l को हम हटा सकते हैं। तो यह अगर यहां से हटेगा तो बनेगा क्या e नेट बराबर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या आएगा ये r की पावर 2 की पावर 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो e नेट आपको क्या मिल रहा है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख सकते हैं ऐसे लिखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब। यही हमारा निरक्षीय स्थित में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। ठीक है तो बिल्कुल आसान है डेरिवेशन, बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है बोर्ड एग्जाम ये इस बार आया था और हमेशा दोनों डेरिवेशन आते हैं tan a पोजीशन tan b पोजीशन, दोनों डेरिवेशन हमारे हमेशा आते हैं। ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है फिर से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या निर्वात में रखा है, द्विध्रुव के आवेश क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू, आवेश क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु p स्थित है और उस p पर हमें क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप इसे देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इंतजार करिएगा। धन्यवाद।